Dear students, welcome to your YouTube channel Shailen Tutorial. We are solving class 5th new composite mathematics by R.S. Agrawal, in which we are doing chapter 7 fraction, in which we have already done exercise up to 23. It's time to solve exercise 24. आज हम लोग exercise 24 solve करेंगे, जिनमें से पहला जो question दिया है, इनमें से pair दिए हुए हैं और हमें find करना है कि कौन सा greater fraction है. तो आइए इसकी थ्योरी समझते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं. जैसे एक टर्म लिखा है यहां पे, एक टर्म ये हुआ और दूसरा ये. ये एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है. ये फ्रैक्शन कहलाता है 3 आउट ऑफ 5 या 3 अपॉन 5. ऊपर वाला टर्म जो होता है, इस लाइन के ऊपर जो लिखा रहता है, ये कहलाता है न्यूमरेटर, पहले ही बताया जा चुका है. और जो अपान के नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. डिनोमिनेटर. तो एक फ्रैक्शन देखिए लिखा है 3/5 और दूसरा लिखा हुआ है 2/7. तो देख सकते हैं यहां न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है. तो ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस. अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. जैसे कि 3/5 एंड 2/5. यहां पे दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शंस. तो बहुत ही आसान है लाइक फ्रैक्शंस देखना. जब डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन. अब लाइक फ्रैक्शंस है तो इसमें बहुत ही आसान पड़ता है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर अमंग दीज टू. तो इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा. जैसे यहां पे 3 जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन 2 है. तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका जो न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाता है. तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5. तो बहुत आसान हो जाता है लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. अब अगर देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, न्यूमरेटर सेम हो जाए, तब कैसे कंपेयर करेंगे. तो देखिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे. पहली बात तो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. अब यहां न्यूमरेटर सेम है, देखिए 7 यहां है, 7 यहां है, और डिनोमिनेटर एक का 2 है दूसरे का 5 है. तो इसके लिए क्या रूल है, कैसे पता करेंगे विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच इज नॉट ग्रेटर. तो यहां पे क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है, ग्रेटर स्मॉलर है, जैसे 2 इज स्मॉलर देन 5. अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो न्यूमरेटर 2 है यहां पे, सॉरी डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है. न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर यहां पे 2 है, यहां पे 5 है. तो डिनोमिनेटर यहां पे 2 जो है ये स्मॉलर देन 5 है, इसलिए फ्रैक्शन यही वाला बड़ा हो जाएगा. मतलब 7/2 इज ग्रेटर देन 7/5. ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था, डिनोमिनेटर सेम रहता था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. फ्रैक्शन इज ग्रेटर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर. बट यहां पे उल्टा होता है. डिनोमिनेटर की बात करें, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा. अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. तो एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें हमें फाइंड करना है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. तो बहुत ही आसान है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है. तो यहां पे 3 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4 होगा. हियर लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर देखना है सिर्फ. 3 इज ग्रेटर देन 1, तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. सिंस 3 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4. ये हमारा आंसर आ गया. अब देखते हैं बी में. यहां फिर से डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है. तो यहां पे 4, सिंस 4 इज लेस देन 6, 4 6 से छोटा है, 6 इज ग्रेटर,
तो क्या होगा, देयर फोर फोर अपॉन सेवन इज लेस देन सिक्स अपॉन सेवन, सिक्स अपॉन सेवन ही ग्रेटर होगा, फोर अपॉन सेवन इज लेस देन सिक्स अपॉन सेवन या सिक्स अपॉन सेवन इज ग्रेटर देन फोर अपॉन सेवन, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, अगर लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अगेन इस पेयर में लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो हियर सिंस लिखेंगे क्या, सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, न्यूमरेटर सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, सेवन इज बड़ा है फाइव से, देयर फोर सेवन अपॉन नाइन इज ग्रेटर देन फाइव अपॉन नाइन, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली हम लोग डी का डी करेंगे, डी में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर ये बड़ा है, इलेवन इज ग्रेटर देन एट, इलेवन इज ग्रेटर देन एट, इलेवन ग्रेटर है, इसलिए फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इलेवन है मतलब इलेवन अपॉन थर्टीन इज ग्रेटर देन एट अपॉन थर्टीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंस देयर फोर, तो आप ये जैसे इसमें लेस करके लिखा तो नहीं लिखना चाहते तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर बड़ा है आप उसको यहां पहले लिख दें, इलेवन इज ग्रेटर देन एट, सो इलेवन अपॉन थर्टीन इज ग्रेटर देन एट अपॉन थर्टीन होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट देखते हैं, लास्ट नहीं अभी टू बचे हुए हैं, तो ई नंबर पे देखते हैं क्या है। अगेन दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है इसमें से, सिंस 23 इज ग्रेटर देन 13, न्यूमरेटर में 13 और 23 में विच इज ग्रेटर, 23 इज ग्रेटर, तो इसका फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसका फ्रैक्शन ही ग्रेटर होगा, देयरफॉर 23 अपॉन 27 इज ग्रेटर देन 13 अपॉन 27, ये इसका आंसर हो गया। कंपेयर कर लिया हमने कि 23 अपॉन 27 ही ग्रेटर होगा। तो यहां जो फ्रैक्शन दिया है इसमें न्यूमरेटर क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो 20 जो न्यूमरेटर है ग्रेटर देन 70 है, इसलिए 17 है, इसलिए जो 20 जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है दैट विल बी ग्रेटर देन द अदर वन, सो 20 अपॉन 21 इज ग्रेटर देन 17 अपॉन 21, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 24 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, स्मॉलर कौन सा होगा, तो देखिए यहां पे क्या दिया है, सभी के न्यूमरेटर सेम कर दिए हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर इसमें बताना है। तो देख लीजिए यहां पे सभी के न्यूमरेटर सेम है, तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। आइए सॉल्व करते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, तो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर है वही स्मॉलर, तो यहां पे जिसका डिनोमिनेटर, तो यहां पे सिंस 5 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 5 ग्रेटर है 3 से, तो डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर है वही फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है, देयरफॉर 1 अपॉन 5 इज स्मॉलर देन 1 अपॉन 3, तो स्मॉलर के टर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, इसलिए हम स्मॉलर लिखते हैं कि 1 अपॉन 5 स्मॉलर देन 1 बाय 3, ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं सेकंड, यहां पे भी न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, तो सिंस 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 जो है ग्रेटर है 6 से, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, देयरफॉर 5 अपॉन 7 इज स्मॉलर देन 5 अपॉन 6, आइए देखते हैं थर्ड, इसमें क्या है, देखिए न्यूमरेटर दोनों के सेम हो चुके हैं, तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर टू में सी में दिया है 4 अपॉन 9 4 अपॉन 7, तो देखिए न्यूमरेटर सेम है 4 है, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, हियर 9 इज ग्रेटर देन 7, 9 ग्रेटर है इसलिए यही फ्रैक्शन क्या होगा, 9 वाला फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, देयरफॉर 4 अपॉन 9 इज स्मॉलर देन 4 अपॉन 7, आइए देखते हैं डी में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है 13 इज ग्रेटर देन, सिंस 13 इज ग्रेटर देन 10, 13 ग्रेटर है 10 से, इसलिए 13 वाला फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, मतलब 7 अपॉन 13 इज स्मॉलर देन 7 अपॉन 10, 8 अपॉन 9 8 अपॉन 11 में विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, तो देखिए न्यूमरेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है उसको फाइंड करना है, तो देखिए 11 यहां पे ग्रेटर देन 9 है,
सिंस 11 इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर 11 वाला फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें उल्टा चलता है, 11 वाला फ्रैक्शन छोटा होगा, 8 अपॉन 11 इज स्मॉलर, स्मॉलर का साइन जरूर लगाते हैं, तो स्मॉलर देन 8 अपॉन 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एफ वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर किसका, कौन सा ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन, सिंस 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 वाला जो भी फ्रैक्शन होगा वो स्मॉलर होगा, देयरफॉर 6 अपॉन 7 इज स्मॉलर देन 6 अपॉन 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीप वॉचिंग।